Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. एक और इशू ये है कि वो कुछ भी टेस्ट करता है तो वो आप पर भी सर्जरी कर जैसे हमारे मान लीजिए अगर इवन इफ आई गेस स्टैंडिंग वन ऑफ अस इंफेक्टेड सर अनलेस वन ऑफ अस कफ आई कॉफ और स्नीज और कॉफ या सेम चीज टच की हो वो सर सक्सेस हुआ तो सरफेस आ गया उसपे मोडेलिटी आई कैन ट्रांसमिट टू यू इज सर यू कॉफ क्वेश्चन दिए गए हैं कि अपनी केयर किस तरह करनी है. जो लोग ऐसे एरियाज में पोस्टेड हैं जहां काम कर रहे हैं जहां उनके रिस्क ज़्यादा है वहां उनको प्रोटेक्टिव गियर भी दिए गए हैं. मास्क वगैरह पहनने की हिदायत की गई है. जो सामान्य सावधानियां हैं अन्य लोगों को बताते हैं वो उनसे भी कहा जाता है ऑब्जर्व करें उनको. जो हैंड वॉश है बॉडी वॉश है या कपड़े चेंज करना है अपने तो यदि सावधानियाँ बढ़ते हैं तो ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है कारण नहीं है कि उनको इन्फेक्शन. सर पलायन लगातार जारी है. आज भी अजमेर की बात करें तो सैकड़ों लोग अन्य जिलों से माने अन्य राज्यों से माने कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में अभी भी मीटिंग जारी है आपकी तरफ से क्या व्यवस्थाएँ रहेगी? कल तक मूवमेंट ज़्यादा था. आज तो मैं भी चल के आया हूँ तो मुझे तो कोई सड़क पर अभी तो मूवमेंट नज़र नहीं आया. लेकिन ये चूंकि कंट्री वाइड पूरे देश में कि बन गया था एक सेंटीमेंट एक भावना बन गई थी जो माइग्रेंट लेबर है उनमें कि अपने घर पहुंचना है उसे बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर चलने लग पड़े थे. तो राज्य सरकार ने अन्य राज्यों ने भी इसकी व्यवस्थाएं की हैं कि उनके लिए जगह जगह भोजन पानी की व्यवस्थाएँ की क्वारंटाइन कैंप उनके लगाए गए. तो अब लेटेस्ट जो निर्देश हैं वो यही हैं कि जो जहाँ है वहाँ रहे. जहाँ नियरेस्ट क्वारंटाइन कैंप है उनका जहाँ उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कराई जाए ठहरने की व्यवस्था कराई जाए और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं भी कराई जाएंगी. तो निर्देश सबको यही है कि जो नियरेस्ट क्वारंटाइन कैंप में उनको रखा जाए. कहीं नहीं होता है नियरेस्ट जो आप बता रहे हैं उसके अलावा भी लोग नहीं मान रहे. कई जगह ऐसी हैं जहाँ फिर भी वो चलने को तैयार हैं पुलिस की भी नहीं मान रहे. ऐसे में प्रयास ही करना पड़ता है समझाना ही पड़ता है क्योंकि फोर्स बल प्रयोग तो ऐसे में ऐसे लोगों पर तो उचित भी नहीं है. बट मेरा ख्याल है कोई अगर अधिकारी हैं और अन्य लोग हमें समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा. विद इन द स्टेट है राज्य के भीतर का जो मूवमेंट है तो एक इंटर स्टेट है तो ये समझने की आवश्यकता है कि अब इंटर स्टेट मूवमेंट अंतर्राज्यीय मूवमेंट टोटली प्रतिबंधित है. विद इन द स्टेट पर भी पाबंदी है तो इसलिए सबके हित में ही है कि जो जहाँ है वहीं रहे. आपकी तरफ से कोई अपील? अपील यही है कि जो निर्देशों की पालना करें. स्वास्थ्य विभाग ने समय समय पर एडवाइजरी जारी की है. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार ने सभी समय समय पर अपील और सलाह जारी की है. उनकी पालना करें अपना भी हित है और अन्य लोगों का भी हित उसी में. नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन. देखिए हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं. इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे. खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें. इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें. अपनी आंख नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप. अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं. भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें. अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें. अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें. अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011
239-7804646। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।